इसी तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी क्योंकि तैयारियां पूरी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तैयारियों के साथ इस समय सदन में मौजूद हैं। और एक लंबी कार्यशाला जो नए विधानसभा में चुने हुए जो विधायक हैं उनके लिए की गई थी कि किस तरह से सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना है, और अब वही तस्वीरें नजर आएगी क्योंकि दो चरणों के अंदर ये सत्र चलाया जाएगा। पहला सत्र 30 जनवरी तक होगा। फिलहाल बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, 23 जनवरी तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, पहला दिन आज था। आज से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले अभिभाषण हुआ, उसके बाद तीन विधायक जिन्होंने शपथ नहीं ली थी उनको शपथ दिलाई गई, और लास्ट में अंतिम 6 दिवंगत विधायकों को शोक अभिव्यक्ति की गई। तो विधानसभा की कार्रवाई को अब स्थगित कर दिया गया है आगामी 23 जनवरी 2024 तक के लिए। और आपको बता दें, दो चरणों के अंदर ये कार्रवाई होगी। पहला चरण 30 जनवरी, दूसरा चरण फरवरी में शुरू होगा। तो 16वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है, और राजस्थान के विकास को लेकर विजन 2030 को समर्पित यह अभिभाषण राज्यपाल का रहा। राज्य सरकार किस तरह से आगे काम करने वाली है, क्या विजन के साथ आज आगे राजस्थान चलने वाला है, उसको लेकर चर्चा की गई। और एक बड़ी तैयारी आप आगे कार्रवाई में देखेंगे भी कि जिस तरह से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई देगी क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ सदन की कार्रवाई में तमाम विधायक मौजूद होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है तो उसको मद्देनज़र भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तैयारी रहेगी किस तरह से सरकार को घेरा जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्योंकि विधानसभा का 16वां सत्र है और पहला दिन आज था, आगे आप इसकी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? 2024 का चुनाव सबके सामने है, विपक्ष हमलावर रहेगा ये तो तय है। देखिए बिल्कुल सौरभ, आज की जो कार्रवाई, जैसा आपने देखा, आज की जो सत्र आहूत होता है वो राज्यपाल के अभिभाषण के लिए होता है। एक परंपरा सदन की रही है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है और इसके बाद कुछ विधायी कार्य होते हैं, उसके बाद शोकाभिव्यक्ति होती है और सदन फिर स्थगित कर दिया जाता है। जैसे कि आज भी आपने देखा कि इस तरह सदन की कार्यवाही, और अब सदन 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि आगामी 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही चलेगी उसका बिजनेस भी आ गया, और 29 तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी और 30 रिप्लाई आएगा। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो सदन आउट होगा वापस, उस समय क्या रोल देखने को मिलेगा, विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, किन मुद्दों को लेकर वो हमलावर रहेगा। क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बनती नहीं है सौरभ, शून्यकाल होते नहीं है, प्रश्नकाल होते नहीं है, अलग से डिबेट का समय होता नहीं है, तो आपको राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना होता है। अच्छी ये बात नहीं कि केवल हनुमान बेनीवाल को छोड़ दें, तो बाकी विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण को सुना और बाकी विधायी कार्यों में हिस्सा लिया। लेकिन अब जो सदन शुरू होगा, वहाँ जो आप कह रहे हैं, वहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में ये दोनों पक्ष और विपक्ष के लिए अपने आप को जनता का हितेशी बताने के लिए कहूँ, या ये के लिए हम जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं उसको दिखाने का मंच है, तो निश्चित रूप से विपक्ष रहेगा, हमला विपक्ष का हमला देखने को मिलेगा, सियासी हमला देखने को मिलेगा। कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है, पूरी तैयारी में है। हालांकि सत्ता पक्ष का भी कहना है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, उनके पिछले 5 साल के कारनामों को सदन में उजागर करेंगे। जी, तो जिस तरह की अभी चर्चाएं चल रही थी सियासी गलियारों में, लाल सिंह, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि योजनाओं की जांच की जाए और रिव्यू किया जाए, पुरानी योजनाओं में अगर कोई कमी है उसे दूर किया जाए, और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा दी जाए। ये सरकार ने अभी इसकी कार्य योजना तय करना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर भी कई तस्वीरें अब विधानसभा की इस चर्चा में, हंगामे में देखने को मिलेगी। आप किस तरह से देखते हैं सिलाल सिंह? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल मिलेगी हंगामे में, क्योंकि एक बड़ा इसे हम मुद्दा कह सकते हैं कि आप देखिए पिछले 6 माह के दौरान हुए तमाम सरकार के फैसलों को रिव्यू किया जाएगा, उनको जांच करेगी, कमेटी का गठन कर दिया गया है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ, और आज उस पर जिस तरह के राज्यपाल के अभिभाषण में पेपर लीक मामले को लेकर कहा गया है कि उसमें जांच होगी और खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ये तो साफ हो गया है कि सरकार की तमाम जो कार्य योजनाएं थी उन पर रिव्यू होगा। और सबसे बड़ी बात है, 6 महीने ही नहीं सौरभ, 6 महीने के पहले भी, यानी कि पूरे कार्यकाल के दौरान जिन भी योजनाओं को लेकर ये मानना था पार्टी की प्रतिभा के पक्ष में रहते हुए कि ये बिना वित्तीय स्वीकृति के जारी की गई है, तकनीकी खामियां हो सकती हैं, या केवल सियासी लाभ लेने के लिए इनको अलाउ किया गया है, तो उनका भी रिव्यू किया जाएगा। तो ये बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा निश्चित रूप से, तो इसको लेकर विपक्ष हमलावर होगा, सवाल उठाएगा, खासकर जो हाल ही में योजनाओं के नाम बदले हैं उसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है।
ये ठीक बात आपने कहा कि सियासी करियरों में मैंने बहुत चर्चा, और खासकर कांग्रेस के नेताओं में कार्यकर्ताओं में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई होगी, जो भी पाए जाएंगे चाहे अधिकारी नेता हो, और तमाम उन योजनाओं का रिव्यू करना जो लगातार इन कार्यकाल में हुई है, तो उसको लेकर क्योंकि ऐसा सामान्य से पहले नहीं देखने को मिलता था जी। हाँ, कुछ योजनाओं को लेकर ऐतराज होता था, नाम बदलाव होते थे, लेकिन अब 6 महीने की योजना सहित आपने और भी जो शामिल किया उनको लेकर रिव्यू करना, एक कमेटी बनाना, बायकाबे कमेटी गठन करना, और कमेटी ये जांच करेगी कि इन योजनाओं में क्या कमी थी, कमेटी जांच करेगी कहीं इन योजनाओं में भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, और उसके बाद अगर ये पाया जाएगा इन योजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको न केवल योजना को बंद किया जाएगा बल्कि उस योजना में लाभान्वित हुए भ्रष्टाचार के पैसे से उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि 30 तारीख के बाद सदन किस तरह से चलता है, क्योंकि तैयारियां दोनों ही पक्षों की भरपूर है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।